ओके तो मैं यूट्यूब में भी इसे शेयर कर चुका हूँ, यूट्यूब में भी जाके विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको कंपोजिशन पैलेट सब कुछ अच्छी तरह दिख पाता है, तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप यूट्यूब विजिट करें। सेम नाम है। ओके तो चलिए हम काम शुरू करते हैं। एक लैंडस्केप एक्रिलिक, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमिल का, कैमिल आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर, और कैमिल का ही कैनवास के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। कम से कम 5 साल बाद मैं ये एक्रिलिक निकाला हूँ। थैंक यू, थैंक यू माधवी मैम, थैंक यू नौसद जी, ज्योति जी, वल्लभ जी, हितेश जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो इंस्टा पे है आप यूट्यूब में जाके विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको अच्छा विजिबिलिटी होगा। एक्रिलिक पेंटिंग में इसका घबराहट नहीं होता कि व्हाइट कलर छूटा नहीं है। अरे मजे से हम व्हाइट का जितना भी बैलेंस हम चाहे वो यूज कर सकते हैं।
सिल्क फैंडी में कुछ ढक भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमें मौका मिलता है रिपेयर करने की। तो जरूरी है कलर, कलर मिक्सिंग बहुत जरूरी है इसमें। थैंक यू किशोरी जी। हाँ जी सेम। हाँ आज रौनक, आज एक्रिलिक कर रहा हूँ, अभी ऑयल नहीं करेंगे, अभी एक्रिलिक ही आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ डार्क कलर यूज करके इसे कुछ कुछ लाइट ऐसा दे रहे कि उसे कर्व नजर आए। तो YouTube में विजिट करें, आपको कलर सही दिखेगा। इंस्टा पे शायद आपको कलर ठीक से नहीं दिख रहा हो। ये सुवर्णा जी एक्रिलिक है, ये साइज क्या है? साइज मुझे नाप के बताना होगा, छोटा सा साइज है। ओके 9 6 बाई 9 इंच। एक्रिलिक मीडियम में डार्क से, नितिन जी डार्क से लाइट में आ सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप जो भी कलर वहाँ पे आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, उसके पहले आपको डार्क यूज़ करना है, उसके बाद धीरे धीरे उसी कलर में जैसे लाइट की तरफ, जैसे मैं अभी आ रहा हूँ फिर लाइट की ओर आना है। तो सिंपल फंडामेंटल है। और अभी मैं एक्रिलिक क्लास भी ओपन किया है अक्टूबर से, जिन्हें सीखना है ज़्यादा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें कर्व दिखाने के लिए वो कुछ डार्क कलर कुछ लाइट कलर। मैं बार बार यही कहूँगा कि इस मीडियम में आपको कलर मिक्सिंग का जो सेंस है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और वो आपको एक्चुअली वाटर कलर से भी होता है। बट किसी भी मीडियम को जब तक नहीं करेंगे तब तक उसकी
प्रॉब्लम फेस होता है उसमें, क्या क्या सिचुएशन आता है वो आप समझ नहीं पाएंगे। और ये इतनी अच्छा मीडियम है कि आप इसमें कुछ भी खराब हुआ तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू शुभा जी। नहीं वो तो रिंगटोन था। थैंक यू थैंक यू। HDM Art Studio। थैंक यू यार, बहुत मुश्किल होता है ये इंस्टाग्राम का नाम पढ़ना। ट्रैक किलिंग में अगर कोई जगह ड्राई हो जाता है और उसके बाद अगर मुझे कोई लाइट कलर यूज करना हो तो उसके कैसे ब्लेंड करें? आपको स्टार्टिंग से फिर कलर को यूज करना होगा, जो डार्क पहले अभी यूज किए थे उसे पहले से फिर से आपको डार्क करके फिर उसको मिक्सिंग करना। मिक्सिंग जब भी आप करना है मतलब उसी गीले गीले पे करना होगा, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद फिर आपको फिर पहले जैसा अवस्था में आना पड़ता है, फिर पहले से आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं जो भी मिक्सिंग जो भी कुछ काम करना था वो इसी वक्त मैं कर रहा हूँ, है ना। तो जिससे ये सूख भी रहा है थोड़ा थोड़ा, बट वो सूखने से पहले मुझे उसे सारे टचिंग करना होगा। जितना आपको लाइट दिखता है वो अगर लाइट देना चाहते हैं तो यही वक्त है कि उसमें लाइट दे दो। सबसे अहम रोल है कलर मिक्सिंग, कि आप कितना लाइट देख पा रहे हो, क्या कलर आप महसूस कर पा रहे हो। ज़रा भी कम ज़्यादा में आपके पेंटिंग्स की डेप्थ गड़बड़ हो सकता है। थैंक यू जसप्रीत जी। ओके
कितना टाइम लेते हैं एक्रिलिक सूखने में? साथ साथ करना होगा, साथ साथ सूख जाते हैं, बहुत जल्द सूखता है। तो क्या हो रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं पहले डार्क कलर को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद लाइट। कलर में भी कहीं कहीं जगह मैं अंतर डाल रहा हूँ हल्का हल्का। हेलो 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 साहिल जी, शुद्धक जी, हेलो, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके सौरभ जी, हाँ वेलकम, जरूर सीखिए। हम आपको बस पास करेंगे जितना हमें अचीव होता है। छोटे काम, छोटे ब्रश, छोटे छोटे स्ट्रोक्स, जितना आप हो सके डिटेल्स की ओर जाना है, डार्क कलर से लेकर के लाइट कलर तक। अभी तक बेस कलर यूज किया, अभी अभी देखना है कि ये जो लैंडस्केप जो जमीन के ऊपर कैसे कैसे उसे एक डेप्थ दिया जाए, मतलब डिटेल्स दिया जाए। एक्रिलिक का जो मीडियम मिलता है छोटे बोतल में वो यूज़ करना चाहिए या वाटर ही यूज़ करना चाहिए? मीडियम मिलता है छोटे बोतल में, एक्रिलिक का मीडियम नहीं, हम तो पानी से मिक्स करते, और वो जो एक्रिलिक, वो एक्रिलिक ये नहीं है, ये इस तरह से आता है, ये एक्रिलिक जो है इस तरह से ट्यूब में आता है, आर्टिस्ट एक्रिलिक आप ट्यूब में लीजिए, ऐसे बोतल वाला नहीं, वो तो फैब्रिक कलर होगा। ओके तो चलिए, बहुत सारे काम है।
अभी जैसे इस पहाड़ी में भी जैसे हम जा रहे थे डिटेल्स में और वो सब लाइट देख देख के यूज किया, वैसे यहाँ पे भी तो हम क्या कर रहे हैं, सूखने से पहले ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला एरिया में, क्योंकि तो हमें काम करना है। देखने में छोटा है, काम बहुत सारे हैं, जितना आप कर पाते हैं उतना काम है, जितना आप देख पाते हैं उतना काम है। ओके बंसियाना बंसियाना किधर गया?
धीरे 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 छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आएंगे, तो बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू नायना जी, कमला जी, थैंक यू सो मच। जो कलर है उसे अच्छी तरह समझना है, उसे अप्लाई करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको रिपेयर करने की मौका मिलेगा। तो ये मैं करते समय अगर इधर उधर हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज ले सकते हैं जिससे आपको थोड़ा काम करने में कंफर्टेबल हो। स्टेप बाय स्टेप कलर को यूज कर रहा हूँ।
और ये अगर बड़ा होता तो उसमें बहुत सारे कलर स्ट्रोक्स यूज हो पाता और कर पाते हम। फिलहाल कोई बात नहीं। थोड़ा सा आपको तसल्ली रखना है, धीरे धीरे इस पेंटिंग को निखरने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा आपको। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू श्याम जी। ओके कोई भी मीडिया में काम करे ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग का बहुत बड़ा रोल है। उसमें बहुत ही निश्चिंत हो गए। ये जो सिंथेटिक जो आता है ना कैमलिन का, वो यूज कर रहा हूँ फिलहाल, तो अपडेट नहीं किया, करेंगे। अरे कुछ स्टूडेंट्स ने मजबूर कर दिया एक्रिलिक सिखाओ, तो फिर मैंने फिर एक्रिलिक में आया और बहुत मज़ा आ रहा है एक्रिलिक में। क्या आपको मज़ा आ रहा है? इसमें बस कलर को तो लगाना है, बहुत सिंपल है।
इस मीडियम में जब चाहिए आप तब वो कलर यूज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू थैंक यू। कुछ ऐसे इनमें डिटेल्स होंगे कि आपके नज़र वहीं छूट जाएगा, वहीं अट जाएगा। You can feel passing the light. कंपोजिशन के अंदर सवाल करना है कि क्या चीज अच्छा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है वहां पे, तो वहां से जो जवाब आएगा ना उसी को करना है।
रोना कुछ भी पूछते हो, अभी लो बजट में आपको टैब क्या खरीदना मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे पास कोई टैब का वो है क्या, शोरूम में देखा है क्या, या फोन टैब का दुकान लगाया मैंने? ओके थैंक यू भी माधवी मैम। अभिराम जी ये एक्रेलिक है, थैंक यू। हजस्ट्री कार्ट, थैंक यू विजय जी। एक्रेलिक एक्रेलिक ये एक्रेलिक है, ओके। ये सब कैमेल आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ, और ओके जिनको डिटेल में सीखना है ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है अक्टूबर से, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। खिड़की थोड़ा छोटा ही रखना है, ओके। तो थोड़ा सा छत के ऊपर लाइट कलर यूज करता हूँ।
थोड़ा सा कुछ डार्क्स है जो उसे देखे इसे। कंपोजिशन की जो डिटेल्स है उसे निखारने की कोशिश किया जा रहा है। एक्रिलिक एक्रिलिक किसी भी पेंटिंग में कंपोज कैसे करें। जो चीज़ आपको कंपोजिशन को ओपन करते ही जो चीज़ आपको ज़्यादा अटैक करता है, जहाँ पे आपके फर्स्ट नज़र जाता है, उस चीज़ को आपको नोट करना है। कंपोजिशन हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। तो आप जब जैसे भी किसी कंपोजिशन पेंटिंग को ओपन करते हैं, उस पर पहला नज़र कहीं पे जाता है ना, तो वो है आपके फोकल पॉइंट, और घूम फिर के फिर वहीं पे आता है आपके बार बार नजर। इस तरह से आपको देखना है कि क्या क्या ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपके नजर चल। गुड। ऐसे जो भी आपको पूछना है मन की बात करते रहो। थैंक यू सूरज जी। ये जो 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 हार्डनेस है, ये जो हार्डनेस है, इसे दूर करना है धीरे धीरे। मतलब आपके मिडिल टोन आएगा, जैसे डार्क उसमें वाटर कलर में क्या होता था कि लाइट से डार्क की ओर जाते थे, यहाँ पे डार्क से लाइट की ओर। तो डार्क से लाइट की ओर आते आते एक मिडिल टोन पड़ता है, उसके बाद हाईलाइट, वो सब देते देते आपके उसमें शार्पनेस आ जाता है पेंटिंग में।
एक्रिलिक में जब चाहे आप घर बना सकते हैं, जब चाहे कुछ भी बना सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है एक्रिलिक पेंटिंग में। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आपके पेंटिंग्स को देखा जाएगा, आपके पेंटिंग्स के रिव्यू किया जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है आप मेरे पेंटिंग्स को देखते हैं, यहाँ तो यहाँ यूट्यूब में आप तो देखते ही है। जब तक आपके पेंटिंग्स को रिव्यू नहीं किया जाता है, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। उसके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था है, ताकि आपको आसानी से जल्दी अचीव होगा। इसमें कुछ टेक्निक्स है आपको, जो आपके पेंटिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज शेयर किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये तो है, थैंक यू प्रेरणा जी। ओके 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 ओके, थैंक यू शबनम जी। ओके, जो जो इंस्टा पे है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सही से नहीं दिख रहा होगा, आप यूट्यूब में आ जाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए यूट्यूब में। यूट्यूब में आपको 400 वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे विजिट करें तो आराम से देखिए वहाँ पे। यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल से देख रहे होंगे आप। छोटे से छोटे घर है, बट उसमें भी तो कोशिश कर सकते हैं कि उसे ठीक करना।
यहाँ गरीब का घर है, उस पे भी तो लाइट आ रहा है ना, वो भी बनाना है। तो यहाँ पे छत के ऊपर कुछ कलर लगा है, ऐसा लग रहा है वो घर लग रहा है ना, तो वो यही है, छोटे छोटे टेक्निक्स है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कलर मिक्सिंग। हाँ शबनम जी आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं हमसे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा व्हाइट कलर यूज़ होता है एक्चुअली में। ये कैमलिन का सिंपल ब्रश है। थैंक यू संकल्पा, संकल्पो, ओके। यार ये साइड वाला बहुत डिस्टर्ब लगता है मुझे, एक सेकंड। अब ठीक है। तो ये सब चीज जो है ना,
रेफरेंस में है, हम कोई मन से नहीं ला रहे, बस आपको देखने की जरूरत है। बस सर 10 मिनट्स। ये वाटर कलर नहीं है, इसमें पानी डाल दिया, बहा दिया। मैं तो कोलकाता हावड़ा से हूँ। एक्रिलिक कलर है, एक्रिलिक मीडियम है, और ये कपड़ा है, कैनवास कपड़ा है जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, और कलर है कैमल का सदाबहार नगमे। तो ये व्हाइट जो है डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, इसे भी किसी न किसी के साथ मिक्स करके लगा रहा हूँ।
ओके गाइस, यहाँ पे मैं इसे एंड करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और इतने देर आपने बने रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक्चुअली सीखने के लिए ना समय देना पड़ता है, वही हम देते नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जो ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बहुत कुछ शेयर किया गया है। अभी मेरा तो चैनल चलो 2019 से है, इससे पहले ना जाने कितने सारे आर्टिस्ट है, तो वो सब शेयर किया हुआ है, बहुत कुछ टेक्निक शेयर किया हुआ है, तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब से भी। तो ये है आज का पेंटिंग है छोटा सा बिल्कुल छोटा सा 9x6 inch है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा आपको। किसी को डिटेल्स में सीखना है तो ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, अक्टूबर से होने वाला है, तो ज्वाइन कर सकते। स्टील लाइफ पहले दिखाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लैंडस्केप या अलग अलग क्लास होगा, जैसे भी चाहते हैं वैसे ही किया जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे आज क्लोज करते हैं। थैंक यू जो भी इंस्टा पे भी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आर्टिस्ट पाटिल जी, पुनीत जी, एक्रिलिक को वाटर से मिलाया जाता है, कलरिट सूस, थैंक यू। ओके, जो इंस्टा पे है वो यूट्यूब में विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब में ये वीडियो आपको अच्छी तरह दिखता है, मैं हमेशा वो ये गाइड करता हूँ, इंस्टा से आप यूट्यूब में आ जाए। ओके, तो ठीक है फिर, टाटा करते, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।